Very very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 4 एक्टिविटी 4.2। तो अभी जैसे इसके जस्ट पहले हमने समझा होमोलोगस सीरीज, तो यहाँ पे एक्टिविटी 4.2 हमारी एक्टिविटी मतलब जो ये एक्टिविटी है ये होमोलोगस सीरीज से ही दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा है कैलकुलेट द डिफरेंस इन दी फॉर्मूले एंड मोलिकुलर मासेज फॉर CH3OH, C2H5OH इन दोनों के बीच में। जैसे ए आपको दे दिया CH3OH और बी आपको दे दिया C2H5OH, तो इनके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये है मिथेनॉल, मिथेनॉल में एक कार्बन है, इथेनॉल में दो कार्बन है, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंस हुआ, एक कार्बन का डिफरेंस हुआ। हाइड्रोजन देखो OH फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, दोनों में OH फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे पांच है, तो दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ। तो कितना डिफरेंस हुआ, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। सेकेंड आपसे पूछा है कि C2H5OH और C3H7OH, यानी कि C2H5OH हमारा बन गया इथेनॉल और C3H7OH हमारा बन गया, तीन कार्बन है तो प्रोपेनॉल। अगेन अगर हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो OH ग्रुप यहां पे भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में OH है। अगेन यहां पे इथेनॉल में दो कार्बन, प्रोपेनॉल में तीन कार्बन, तो अगेन कार्बन डिफरेंस वन कार्बन का। हाइड्रोजन अगर हम फंक्शनल ग्रुप के अलग हाइड्रोजन देखेंगे तो इथेनॉल में पांच हाइड्रोजन है और प्रोपेनॉल में सेवन हाइड्रोजन है, तो अगेन हाइड्रोजन डिफरेंस कितना आया, दो का आया, तो अगेन एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। जो सी पूछा है उसमें पूछा है कि प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में कितना डिफरेंस है। अगर हम ये प्रोपेनॉल का हमारा फॉर्मूला है C3H7OH और ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा C4H9OH, दोनों में अगेन हम देख रहे हैं कि जो हमारा OH फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, कॉमन है ना, तो इसमें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों में सेम ही है, फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें। अब बचे हुए पार्ट में हम देखेंगे तो प्रोपेनॉल में तीन कार्बन, ब्यूटेनॉल में चार कार्बन, तो अगेन डिफरेंस एक कार्बन का। अब इसमें हम बचा हुआ पार्ट अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन सात है, सेवन हाइड्रोजन इन प्रोपेनॉल एंड नाइन हाइड्रोजन इन ब्यूटेनॉल, तो डिफरेंस कितना हुआ, टू हाइड्रोजन का, तो अगेन हमने देखा एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। जब हम होमोलोगस सीरीज कर रहे थे तो हमने CH2 यूनिट का मास निकाला था कि एक कार्बन का मास होता है 12 यूनिट और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट और दो हाइड्रोजन हमारे पास है टोटल, तो 12 प्लस 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 14 यूनिट का टोटल डिफरेंस है। तो यहां पे आपसे यही पूछा है कि आपको डिफरेंस बताना है फॉर्मूले एंड मोलिकुलर मासेज में, तो फॉर्मूला आपका डिफर कर रहा है एक CH2 यूनिट से और मोलिकुलर मासेज जो है इनका डिफर कर रहा है 14 यूनिट से। अब यहां पे क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दीज थ्री, जो ABC आपको दिए हैं, यस सिमिलरिटी है ना, सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप है, ऑल आर क्या है, सारे के सारे क्या है, अल्कोहल है, तो यहाँ पे एक कॉमन चीज इनमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप सभी में सेम है। और हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी किससे डिसाइड होती है, उस कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होती है, भले ही उसकी नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो, लेकिन इन सब में फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप है, और जो हमारे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिसाइड होती है फंक्शनल ग्रुप से रेदर देन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट मॉलिक्यूल, पेरेंट चेन मॉलिक्यूल। तो यहां पे सिमिलरिटी है बिकॉज दे आर होमोलोगस सीरीज, ऑल आर एल्कोहल, सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अरेंज दीज एल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट ए फैमिली, कैन वी कॉल दिस फैमिली ए होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले ही इनको अरेंज करके रखा है विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहले हमने मिथेनॉल लिखा, देन इथेनॉल टू कार्बन के साथ, तीन कार्बन वाला हमारा मोलिक्यूल रहेगा यहाँ पे प्रोपेनॉल और चार कार्बन वाला रहेगा ब्यूटेनॉल, तो हमने इनको इस तरीके से इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ हमने इनको अरेंज किया है और
यस डेफिनेटली हम इनको होमोलोगस सीरीज बोलेंगे क्योंकि इन सब में एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड हुआ है बाय द ओएच फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पे ये हमारी एक होमोलोगस सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक होमोलोगस सीरीज जनरेट करनी है फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन फॉर द अदर फंक्शनल ग्रुप, यानी कि OH का तो हमने देख लिया, अब OH की बजाय हम कोई और फंक्शनल ग्रुप लेते हैं जो टेबल 4.3 में दिए हैं आपके फंक्शनल ग्रुप, चाहे आप एसिड ले सकते हैं COH ग्रुप, चाहे आप हैलोजन ले सकते हैं क्लोरीन फ्लोरीन, और उस तरीके से हमें एक होमोलोगस सीरीज बनानी है। तो अगर आप देखेंगे जैसे मैंने हम शुरू करते हैं मिथेन से, तो मिथाइल क्लोराइड हमारा यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, क्लोरो ग्रुप जो है एक फंक्शनल ग्रुप है और इसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। अब यहाँ पे हम एक होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं, तो जो नेक्स्ट होगा हमारा वो क्या होगा, ये था हमारा मिथाइल क्लोराइड, तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे C2H5Cl, क्योंकि इथेन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है C2H6, लेकिन एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन ग्रुप। नेक्स्ट हम इसी में, क्योंकि होमोलोगस सीरीज हमें 4 कार्बन तक बनानी है, तो ये हुआ हमारा मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड C3H7, क्योंकि हमने ये देखा होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस कितना आ रहा है CH2 यूनिट का, तो आप एक कार्बन बढ़ाते जाओ और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 बढ़ाते जाओ, तो आपके पास एक होमोलोगस सीरीज आ जाएगी C4H9Cl, तो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से ये हमने एक होमोलोगस सीरीज को अचीव किया, जनरेट किया, और ये हमारा एक क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप के साथ हमने ये एक होमोलोगस सीरीज बनाई है। तो यहाँ पे ये हमारी एक्टिविटी 4.2 कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।